हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के पार्ट सेकंड में हम कंटिन्यू करेंगे प्लास्टिक से जनरली ये वर्ड आपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं यहाँ पे लेफ़्ट एक पिक्चर दी गई हुई है पहली लीनियर है लीनियर मतलब एक के पीछे एक मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ी हुई हुई है उस ऐसे फॉर्मेशन को हम लीनियर बोलते हैं जहाँ पर एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के पीछे जुड़ता चला आए मतलब एक तरह सा सांप सीढ़ी टाइप का गेम बनता रहे और एक स्ट्रेट चेन बनती रहे तो इस फॉर्मेशन को हम लीनियर बोलते हैं और दूसरा फॉर्मेशन जो आपने देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वो है क्रॉस लिंक मतलब ऐसी बहुत सारी चेन हैं जो आपस में भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ साथ आपस में भी कनेक्टेड हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट जनरली हम आगे देखेंगे ये दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं कि प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक दैट ऑफ सिंथेटिक फाइबर जैसे कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है जो दो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है प्लास्टिक नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट सारे प्लास्टिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता कुछ में वो लीनियर होता है जैसा हमने पीछे देखा या कुछ में क्रॉस लिंक्ड होता है आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्लास्टिक की आपको आसपास आपके रूम में आपके बाहर घर में हर जगह आपको प्लास्टिक की दिखती हैं ये इतनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की इसलिए बन जाती हैं स्टूडेंट्स की प्लास्टिक जो होता है इसलिए मोल्डेबल होता है मतलब उसको आसानी से किसी भी शेप का बनाया जा सकता है मतलब उसको पिघलाकर आप मेल्ट कर, कर किसी भी शेप के अंदर डालेंगे मोल्डर में मतलब सांचे में तो वो उस शेप का आसानी से बन जाता है और क्या फ़ायदे हैं प्लास्टिक के प्लास्टिक कैन भी रिसाइकल्ड मतलब उसको हम वापस से प्लास्टिक को पिघला के दूसरी चीज बना सकते हैं री मतलब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं आप कलर्ड मतलब आसानी से उसको कलर कर सकते हैं मेल्टेड मतलब आसानी से उसको पिघला सकते हैं और रोल्ड इन शीट मतलब उसको आप इतना पिघला के चपटा कर सकते हैं कि शीट्स बन जाए उनकी और उनको क्या और उनको इत, ऐसे भी रोल रोल करके बना सकते हैं कि उनके वायर्स बन जाएं इतनी सारी चीज़ें जैसे चेयर है बकेट है कप है या आपके टॉयज हैं ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं क्योंकि प्लास्टिक ईजली मोल्डेबल होता है आसानी से कलर हो सकता है रिसाइकल हो सकता है रीयूज हो सकता है नेमली आपने ये चीज़ तो देखी होगी जिसको क्या बोलते हैं ये आपके सामने क्या दिख रहा है पॉलीथीन पॉलीथीन बच्चों एक तरह का प्लास्टिक होता है जो क्या होता है ये किस टाइप का प्लास्टिक होता है ये पॉलीमर होता है पॉलीमर मतलब पॉलीमर वो लार्ज कंपाउंड को बोलते हैं जो छोटे छोटे यूनिट से बना हो और उन यूनिट्स को बच्चों हमने देखा था क्या बोलते हैं मोनोमर तो पॉलीथीन जो होता है वो इथीन जो है इथीन एक मोनोमर होता है उसका एक पॉलीमर होता है इथीन को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो एक बहुत बड़ा पॉलीमर मिलता है जिसको बोलते हैं हम पॉलीथीन उस पॉलीथीन से पॉलीथीन बैग बनाए जाते हैं ये एक्चुअल में लीनियर पॉलीमर है मतलब जो हमने देखा था कि चेन के फॉर्म में जो पॉलीमर एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलीमर ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे अब हम चलते हैं आगे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी अब एक चीज़ ये है कि प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली इज नोन एज थर्मो प्लास्टिक दो टाइप के प्लास्टिक हम ये स्टडी करेंगे वो प्लास्टिक जो हीट करने में सॉफ्ट हो जाएं या आसानी से बेंट हो जाएं गर्म करने में या मेल्ट हो जाएं उन प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक जो नरम हो जाए सॉफ्ट हो जाए या मेल्ट हो जाएँ हीट करने में उनको हम क्या बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक इसके दो एग्जाम्पल यहाँ मैंशन है बच्चों पॉलीथीन एंड पी पीवीसी पी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका हम हायर क्लासेस में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ समझ लें पीवीसी के पाइप आपने सुना होगा आपके हम घर में बाथरूम की या घर की वाटर पाइपलाइन फिटिंग्स में जो वाइट कलर के पाइपलाइन हो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों वो पीवीसी पाइप्स होते हैं मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड अब ये पॉलीथीन है जो हम देख चुके जो पोली इथीन एक पॉलीमर होता है प्लास्टिक का उसकी बनी हुई होती है अब हम देखते हैं पीवीसी के पाइप ऐसे पाइप दिखते हैं या इससे पतले पाइप इनको पीवीसी के पाइप मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं ये किस टाइप के प्लास्टिक होते हैं स्टूडेंट थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं जो आसानी से गर्म करने पर बच्चों क्या होते हैं मेल्ट हो जाते हैं या या मोल्ड हो जाते हैं दूसरे फॉर्म में दे आर यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग टॉयज टॉयज बनाने में इस्तेमाल करते हैं कॉम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर अलग अलग तरह के कंटेनर बनाने में इस्तेमाल होते हैं दूसरी जगह वो प्लास्टिक्स होते हैं व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग एंड दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरे वो टाइप के बच्चों प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार मोल्ड करके बना दिया गया तो दोबारा उनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीटिंग से आप अगर उनको हीट करोगे तो क्या होंगे वो उल्टा हार्ड हो जाएंगे हार्ड उल्टा हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे आपने ये देखा होगा कि आपके घर में जो कुकर है जो प्रेशर कुकर है या या पैन है उसमें काले काले कलर के हैंडल्स लगे होते हैं ये सारे हैंडल्स जो होते हैं वो बैके के होते हैं बैके क्या होता है बच्चों बैके किस चीज़ का एग्जांपल होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का ये एक बार जब अपन इसको हीट करते हैं तो ये और हार्ड हो जाता है और हार्ड होता चला जाता है मतलब जितना आप इसको हीट करोगे उतना ही हार्ड होता जाएगा इसलिए पुराने कुकर्स जो आपके घर में होंगे या पैन उनका ये ब्लैक कलर का हैंडल वाला पार्ट जो होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा नए के कंपैरिजन से क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको हीट करोगे या आपके गैस स्टोव का रेगुलेटर ये सारी चीज़ क्या होती हैं बैक की बनी होती हैं बेकेलाइट बच्चों क्या होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स होता है जिसको हीट करने पर वो और हार्ड हो जाता है जैसे एग्जांपल दिया है मेलामाइन एंड बेकेलाइट मेलामाइन और बेकेलाइट इसी तरह से बेकलाइट किसके इस्तेमाल में होता है स्विच बनाने में आपके घर के इलेक्ट्रिक के स्विच जो होते हैं अगर आग लग जाए तो वो मेल्ट नहीं होते बच्चे वो और हार्ड हो जाते हैं आप पुराना स्विच लेके आग में जला के देख सकते हैं जब बहुत 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 बहुत, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तब जाके ये मेल्ट करते हैं वैसे आसानी से मेल्ट नहीं करते इनको जितना स्लो स्लो हीट करोगे ये और हार्ड होते जाएंगे इसलिए बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है घर के स्विच बनाने में ताकि जब इनको अगर फायर लग जाए तो ये जले नहीं या करंट के अंदर स्पार्क हो तो ये जले नहीं उल्टा ये हार्ड हो जाए और मेला का यूज़ देखते हैं यहाँ पे दिया है बैकलाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं हम हैंडल्स में और स्विचेस में बिकॉज इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और किस लिए इस्तेमाल करते हैं स्विचेस बनाने में हैंडल बनाने में अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल मेलामाइन इज़ वर्सटाइल मटेरियल मतलब वो बहुत अलग अलग तरह के काम में आता है ये हीट को भी टॉलोरेट कर लेता है दूसरे प्लास्टिक की तरह और इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम टाइल्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं किचन के मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं और ये फायर से भी रेसिस्ट करता है मतलब ये जलता नहीं है मतलब ये अगर कोई भी मटेरियल मेरामाइन से बनाया जाए तो उसमें आग नहीं लगती समझ में आया तो जनरली किचन में किस लिए यूज़ होता है प्लेट्स बनाने में फाइबर प्लेट्स बनाने में मग बनाने में और डिशेस बनाने में हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ यहाँ दिया है टाइल्स बनाने में और दूसरी चीज़ें भी दी गई हैं तो एक सिंपल से एक पिक्चर से समझ लें आप थर्मोसेटिंग बच्चों प्लास्टिक्स जो होते हैं एक बार उनको हीट किया तो वो सॉफ्ट होते हैं और जब वो कूल होते हैं बच्चों तो परमानेंटली रिजिड या हार्ड हो जाते हैं ऐसा बार बार आप हीट करते जाओगे और वो परमानेंटली हार्ड और ज़्यादा होते जाएंगे हिसाब देखेंगे इसीलिए इनको वेरियस टाइप के मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है अब आगे चलते हैं हम कि प्लास्टिक मटेरियल एज अ चॉइस अब प्लास्टिक मटेरियल हर जगह प्लास्टिक मटेरियल क्यों यूज़ होता है क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है और आसानी से हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कार के पार्ट्स बनाने में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में क्योंकि जो चीज़ हल्की होगी उसके इंजन में ज़्यादा पावर नहीं खर्चा होगी मतलब अगर पूरी कार लोहे की बना दें हम तो क्या होगा इंजन को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी मतलब ज़्यादा डीजल लगेगा और ज़्यादा डीजल लगेगा तो ज़्यादा खर्चा आएगा ज़्यादा खर्चा आएगा तो मतलब थोड़ी सी दूर जाने में मत पता चल रहा पाँच लीटर पेट्रोल ख़त्म इसलिए हम हल्की चीज़ लगाते हैं तो इंजन को कम पावर इस्तेमाल करना पड़ती है तो कम पेट्रोल या डीजल का खर्चा आता है तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक कैसा हल्का होता है ये साहब जो हैं एक हाथ में ही एक प्लास्टिक की बोतल उठा रहे हैं इतना हल्का है कि एक साथ आप बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा पकड़ सकते हो स्पेस क्राफ्ट में या एरोप्लेन्स में ज़्यादातर पार्ट्स जो होते हैं वो जो अलग हट के होते हैं वो प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट हल्का हो तो आसानी से उड़े वो इसके अलावा डेकोरेशन में स्लीपर्स में और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम प्लास्टिक से बनाते हैं अब दूसरा फायदा क्या है बच्चों कि अगर आपने देखा होगा कि लोहे के ब्रिज होते हैं या कंटेनर होते हैं उनमें जंग लग जाता है मॉइस्चर या एयर की प्रेजेंस में उसमें बारिश में जंग लगना शुरू हो जाता है लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको पानी में डालो या एयर में रखो उसमें कोई जंग नहीं लगता अब देखते हैं प्लास्टिक इज़ लाइट एंड स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक जो होता है हल्का होता है मजबूत होता है और ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता है इसलिए हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के कंटेनर बनाने में आप देखें ये प्लास्टिक का कंटेनर जो हाथ में आपको दिख रहा है इमेज में ये लाइट है मज़बूत है है और ड्यूरेबल मतलब आसानी से आप ले जा सकते हैं दूसरी जगह अब लाइट का मतलब बच्चों ये फ़ायदा ये है कि अगर आपको फाइव के जी का कोई सामान ले जाना है मतलब शुगर ले जाना है तो आपको एडिशनल वेट किसका नहीं उठाना पड़ेगा प्लास्टिक का क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है लेकिन अगर यहीं आप फाइव के जी मटेरियल किसी लोहे के कंटेनर में ले जाएं तो आपको उसको कंटेनर का भी वज़न उठाना पड़ेगा और इसके साथ परेशानी क्या है इसमें जंग भी लग सकता है अंदर पानी होगा तो अंदर से उसकी पॉलिश ख़राब हो सकती है और कंटेनर दूसरे सामान को भी ख़राब कर सकता है तो इसलिए हम प्लास्टिक को प्रेफर करते हैं मेटल कंटेनर के अलावा अब जो है हम प्लास्टिक्स को वायर्स में यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस की कवरिंग में क्यों क्योंकि ये क्या होता है एक्चुअल में ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का तो आप देख रहे हैं सारी प्लास्टिक की कवरिंग वाइस के ऊपर है और दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे बच्चों कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस है स्क्रू ड्राइवर है या टेस्टर्स जिसको बोलते हैं उन सब के ऊपर प्लास्टिक या रबर की कवरिंग हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं अब दूसरी चीज़ ये समझ लें कि ज़्यादातर हम प्लास्टिक्स को ही यूज़ करते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में टेबलेट के फॉर्म में थ्रेड के फॉर्म में स्टिचिंग वाउंड के फॉर्म में के फॉर्म में क्योंकि जनरली मेडिसिन फील्ड में मतलब हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल होती है इन्फेक्शन के बचने के लिए वो एक बार इस्तेमाल होती है वन टाइम पासवर्ड की तरह ओ की तरह मतलब एक बार यूज़ करो और फेंक दो उसको इसलिए हम मेडिसिन में या हॉस्पिटल में ज़्यादातर उन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक्स के बने आ, हुए होते हैं और किचन्स में हम जो यूज़ करते हैं कुछ ऐसे मटेरियल्स प्लास्टिक की स्पेशल टाइप का प्लास्टिक जिनको हम हीट करें जैसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिनमें हम माइक्रोवेव्स में भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हीट करके एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको हम बोलते हैं टैफलॉन वो क्या करता है वो अगर हम उसकी कवरिंग किसी भी यूटेंसिल के ऊपर चढ़ा दें तो उसमें वाटर भी नहीं रुकता ना ऑयल रुकता इसलिए आपने जो सुना होगा कि नॉन स्टिक फ़्राई पैन है या नॉन स्टिक नॉन स्टिक नॉन स्टिक हर जगह आपकी मम्मी या पापा यूज़ करते होंगे या ग्रैंड माँ तो नॉन स्टिक का मतलब क्या है वो यूटेंसिल्स या वो बर्तन जिनके ऊपर टैफ्लॉन के प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी और टैफ्लॉन क्या करता है पानी और ऑयल को चिपकने नहीं देता अपने ऊपर अब दूसरी चीज़ जो मेलामाइन देखा है हमने वो हमने डिस्कस किया था बच्चों जो मेलामाइन होता है वो फायर रेजिस्टेंस होता है फायर रेजिस्टेंस होता है मतलब उसमें आग नहीं लगती तो हम फायर फाइटर जो होते हैं उनकी ड्रेसेस जो होती हैं उनको बनाने में और उस टाइप के प्लास्टिक को बनाने इस्तेमाल कर सकते हैं जो आग को कैच ना करे जो फायर को कैच ना करे तो जनरली ये जो, जो ड्रेसेस होती हैं मेलामाइन की या प्लास्टिक की बनी होती हैं वो उस प्लास्टिक की बच्चों जो फायर कैच नहीं करता तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक के क्या क्या यूज़ हैं प्लास्टिक है ना एनवामेंट अब क्या होता है जनरली आपसे कहा गया है कि जूट बैग इस्तेमाल करो आपने सुना होगा कि आजकल आपसे कहा जा रहा होगा कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो या प्लास्टिक की जगह क्लोथ बैग इस्तेमाल करो ऐसा क्यों कहा जाता है प्लास्टिक के इतने फ़ायदे हैं तो ऐसा क्यों भेदभाव सिर्फ प्लास्टिक के साथ किया जाए इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद तो हम देखते हैं कि क्यों मना किया जाता है कि हम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करें उससे पहले ये भी देख लें कि टैफलॉन कैसा दिखता है कि ऐसे ऐसी कवरिंग होती है टैफलॉन के ऊपर कि इसके ऊपर वाटर और या ऑयल की ड्रॉपलेट इकट्ठा नहीं होती ये हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया था अब चलते हैं हम मटेरियल विच गेट डीकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेबेबल एंड मटीरियल विच इज नॉट इज़ीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इजम्ब एज नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल प्रोसेस से जो मटेरियल नेचर में अपने आप खत्म होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर मिट्टी में मिल जाए और उसका सब चीज़ ख़त्म हो जाए उसको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं मतलब ऐसे मटेरियल जिनको आप मिट्टी में गड़ा दो या पाँच साल या दस साल बाद निकालो तो वो टोटल ख़त्म हो जाए तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं या जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए वो अपने आप सॉयल के उन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जिनको प्लांट यूज़ कर लें या दूसरे फॉर्म में जो सॉयल या इन्वामेंट को नुकसान ना करें उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं जैसे प्लांट मटेरियल हुआ क्लोथ्स हुआ है पेपर हुआ ये सब क्या होते हैं ये नेचर में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं अगर आप इनको छोड़ दोगे इन्वामेंट तो ये क्या करेंगे डीकम्पोज हो जाएंगे बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर देंगे फंगी और ये उन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाए ना प्लांट को ना एनिमल को ना सॉयल को ना सॉइल के माइक्रोब्स को लेकिन कुछ और मटेरियल्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं जो अगर नेचर में छोड़ अगर उनको दिया जाए तो वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते और नेचर को नुकसान पहुँचाते हैं और वैसे ही के वैसे रहते हैं आपको यहाँ एक्टिविटी में लिस्ट दी गई है कि आपको बताना है लिस्ट में लिस्ट में यहाँ पे आपको बताना है इकट्ठा करके कि कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे यहाँ दिए हैं डिफरेंट टाइप की ये आप कर लेंगे अब जो सिंपल सा प्लास्टिक होता है बच्चों वो बहुत साल लेता है डीकम्पोज होने में अब आपको समझ में आया कि आपसे मना किया जाता है कि आप क्लॉथ बैग या जूट बैग इस्तेमाल करें क्योंकि छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा हजारों साल लेता है कंप्लीटली डिकम्पोज होने में तो इससे क्या होता है अब जब वो एन्वामेंट में रहता है तो कोई जानवर अगर उसको खा लेता है तो आप देखो ये बर्ड के अंदर पेट में से इतना प्लास्टिक निकला हुआ है तो इससे जानवरों की मौत भी हो जाती है अगर आप इनको वाटर बॉडीज में छोड़ दो तो फिशेस या टर्टल इन प्लास्टिक की पॉलीथीस को खा लेते हैं और ये पॉलीथीन उनकी बॉडी के अंदर जाके उनके फूड पाए या उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जाके अटैच हो जाती हैं और वो जानवर भी मर जाते हैं अब आपको समझ में आया क्यों मना किया जाता है प्लास्टिक के इस्तेमाल में प्लास्टिक जो होता है बच्चों वो सॉइल के नीचे चला जाता है मिट्टी के अंदर और एक लेयर बना लेता है जब वो लेयर बना लेता है तो पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता जब पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता तो बच्चों प्लांट्स को वाटर नहीं मिलता और ज़मीन के अंदर का जो वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है अब कुछ जानवर अगर इस को खा लें जैसे कि आपने सुनाओगे आए दिन आपके आस पड़ोस में the काउ इन इंडिया डाइज फ्राम कंज्यूमिंग प्लास्टिक वेस्ट जनरली भारत में ज़्यादातर गाय या भैंस जो बाहर चरती हैं उन वो प्लास्टिक खा लेती हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती हैं और वो मर जाया करती हैं उनकी बॉडी के अंदर प्लास्टिक क्लॉग हो जाता है मतलब फंस जाता है तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती एंड में वो मर जाती हैं दूसरा परेशानी क्या होती है कि ये प्लास्टिक वेस्ट जब आप किसी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हो तो वो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करती हैं ऐसे मतलब जो उसमें फ़िशेस रह है रही हैं या नेचुरल ऑर्गेनिज़्म रह रहे हैं जो इन्वामेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं वो क्या करते हैं वो उनकी जगह जो है प्लास्टिक कवर कर ले अगर सोच लें आप आपके घर में अगर प्लास्टिक की वैसी पॉलिथीन फेंक दी जाए तो आप कहाँ रहोगे आप दूसरी जगह चले जाओगे या आप इस प्लास्टिक की वजह से आपको बीमारियाँ हो जाएंगी आप ख़त्म हो जाओगे समझ में आया ऐसा ही परेशानी उन वाटर बॉडीज़ के साथ होती हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दूसरी परेशानी बच्चों क्या होता है ये पॉली बैग जो होते हैं ये वाटर सप्लाई में क्या हो जाते हैं ये नालियों में या ड्रेनेज में या पाइप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से आसानी से पानी नहीं निकल पाता और फ्लड की कंडीशन पैदा हो जाती है मतलब पूरे के पूरे वाटर बॉडीज़ के अंदर प्लास्टिक फंसने की वजह से बाढ़ आती है गले मोहल्ले इलाके में बारिश के अंदर पानी भर जाता है समझ में आया और क्या परेशानी होती है प्लास्टिक से हमने यहाँ डिस्कस करते जा रहे हैं ये सब लिखा हुआ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन या जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए और प्लास्टिक को जितना हो सके रिसाइकिल करना चाहिए मतलब रिसाइकिल मतलब एक बार पिघला के दूसरी चीज बनाना फिर उसको पिघला के दूसरी चीज बनाना तो जनरली प्लास्टिक या नेचर को बचाने के लिए हम फाइव आर का यूज करते हैं फाइव आर प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों ये देखें यहां पर पहला आर होता है रिड्यूस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड माइनस के फॉर्म में डिपिक्ट करके दिया जाए मतलब कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें या उन चीज़ों का जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है दूसरा होता है री मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ को इस्तेमाल करें <coughs> मतलब जैसे कि आप एक एक प्लास्टिक का डिब्बा लाएं जिसके अंदर आप शुगर लेके आए थे जैसे मार्केट के अंदर में से अब आप आपने उसकी शुगर कंज्यूम कर ली तो आप उसमें दूसरी चीज़ भर के रख दें मार्केट से दूसरा डब्बा खरीद के ना लाएं समझ में आया अब अगर वो डब्बे में छेद हो जाए हैं तो या तो आप उसको पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या छेद हो जाए तो उस डिब्बों को काट के आप क्या बना सकते हैं आप घर में एक पॉट बना सकते हैं या गमला बना सकते हैं गार्डन में या दूसरी चीज़ सूखी चीज़ भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना है हमें बार बार उसको बोलते हैं हम री फिर चलते हैं रिसाइकल मतलब आपको कबाड़े वाला आपके यहाँ आता है तो वो क्या करता है आपसे प्लास्टिक वेस्ट या आयरन वेस्ट ले जाता है उसको फैक्ट्रीज़ वाले ख़रीद के उससे रिसाइकल करते हैं मतलब पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं। अब उत, अब चलते हैं रिकवर पर रिकवर या रिपेयर मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पॉलिथीन ली एक बार यूज़ करी फिर फेंक दिया आपने एक बार का प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ करा फिर फेंक दिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ को इस्तेमाल करें आप जैसे आपका एक प्लास्टिक का पेन था अब हर बार प्ला प्लास्टिक का पेन आप तीन रुपए का लाते हैं फेंक देते हैं ज़्यादातर तो जनरली इसके बजाय आप एक प्लास्टिक का पेन लाएं और बार बार रिफिल यूज़ करें इसको बोलते हैं हम रिकवर मतलब एक ही चीज़ को ज़्यादातर बार इस्तेमाल करने को हम बोलेंगे रिकवर या दूसरी फॉर्म में अगर जैसे कोई प्लास्टिक वाटर बॉडीज़ में हैं या आपके घर के आस पास है तो उसको आप इकट्ठा करें और कबाड़े वाले को दे दें तो वो क्या करेगा वो बेच देगा तो इनडायरेक्टली रिसाइकल हो जाएगा अब रिफ्यूज़ रिफ्यूज़ का मतलब ये होता है बच्चों की कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप किन बैग का इस्तेमाल करें जूट बैग का इस्तेमाल करें और कॉटन बैग का इस्तेमाल करें आज के लिए बस इतना ही आगे हम देखेंगे नोट्स एंड सॉल्यूशन जब तक के लिए गुड बाय थैंक यू